एक बहुत ही चुनिन एक बहुत छोटा स्टॉक आपने चुना है इस बार बात करने के लिए। मैं ये कैवियट करूंगा कि ये वाकई में रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर्स का एक टाइम पे बहुत चहेता स्टॉक हुआ करता था, फिर थोड़ा ऑफ रेडार हो गया, और वो है वोडाफोन आइडिया। एक तरफ तो टेलीकॉम में आपके भारतीय हैं जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई या मल्टी ईयर हाईज की तरफ जाके थमे हैं, थोड़ा 850 860 से थमा है, लेकिन वोडाफोन में आज एक्टिविटी दिख रही है 11.5% की, जो कि 90 पैसे है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चार्ट पे कुछ अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है? देखिए, कुछ स्टॉक्स जैसे कुछ दोस्त होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, मतलब कुछ लोग और कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप अपने दिमाग के साथ डील नहीं कर सकते। आपका दिल कहे तो वहां काम कीजिए। तो जो भयावह स्टोरी है चारों तरफ वोडाफोन आइडिया में, अब इस चार्ट के आज जो बड़ा मूव और ब्रेकआउट आ गया, इसके एंटिसिपेशन में हमने 2 दिन पहले जब ट्विटर पे एक प्रश्नात्मक ट्वीट डाली कि ऐसा क्या आखिर आ सकता है वोडाफोन आइडिया में, ये स्टॉक 20 रुपए तक चला जाए, तो भारी भर्त्सना का सामना करना पड़ा। और इस भर्त्सना का भी हम मापदंड रखते हैं कि जितनी ज्यादा भर्त्सना होगी उतना बड़ा सौदा करना है। तो इनोसेंट होके जो सिर्फ ट्रेडिंग करना जानते हैं उनके लिए इस चार्ट पे काफी आकर्षक पैटर्न बना है, जो मैं आपको एक ही मिनट में दिखा देता हूं। ये देखिए, पिछली वाली जो चाल थी ना, ये सिंपली एक ए वेव, बी वेव और ये सी वेव थी। ये इंटायर मूव इज इन ए वेव और अब ये करेक्शन बी वेव है। तो मैं इस बात की संभावना से अपने आप को भी नकार नहीं सकता कि क्या पता क्या क्या बन जाए इसमें, 20-21 रुपए का भी भाव हो जाएगा तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। पर शिष्टाचार के हेतु एक साथ 21 रुपए की आशा लगाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। तो मेरा अगला पड़ाव है, आज थोड़ा सा ले लिया इस येलो लाइन के ब्रेकआउट पे, और अब जैसे ये 10.25 के ऊपर जाएगा, 10-15 के ऊपर, वहां हम सौदा डबल करेंगे और फिर देखते हैं 14 के आसपास ये क्या करता है। 14 क्लियर हो गया तो 21 का टारगेट स्टॉप लॉस रखना होगा, क्वांटिटी लिमिट की रखिए। और अगर आप बहुत ही बुद्धिमान है और बुद्धि को संयम में नहीं रख सकते, उसको काबू में नहीं रख सकते, तो सौदा आपके काम का नहीं है, क्योंकि ड्राइव करते वक्त और